राम राम जी। आज हम बात करेंगे लाडो शब्द के बारे में। ये शब्द हरियाणवी गानों में लगातार प्रयोग किया जाता है। तो पहले तो इस सॉन्ग के मतलब के बारे में जानते हैं। हरियाणा में कुछ लोग इसको अलग ही आज के समय में नाम दे रहे हैं। तो लाडो शब्द की बात की जाए तो घर की किसी लड़की को प्यार से लाडो कहा जाता है, न कि वो अपनी प्रेमिका को किसी को लाडो कहा जाता। तो लाडो शब्द का अलग मीनिंग आज के समय में हरियाणवी सिंगर लगातार लेके आ रहे हैं। इसमें एक बड़ा नाम आता है MC Square, जो कि बॉलीवुड तक जाके आया है और एक बहुत ही अच्छा लाजवाब सिंगर है। बॉलीवुड तक के अच्छे खासे सॉन्ग वह करता है, लेकिन हमने लगातार पिछले 3-4 सॉन्ग में देखा है कि लाडो शब्द का प्रयोग बहुत ज्यादा MC Square द्वारा किया जा रहा है। इससे पहले गुलजार ने भी लाडो शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन वह एक लड़की के लिए किया था और हमेशा से ही घर परिवार के अंदर अपनी लड़की को प्यार से लाडो के नाम से जाना जाता है। ये हरियाणा की संस्कृति है। इस पर कई वाद विवाद भी छिड़े थे, अन्य कलाकारों ने इसके अलग अलग मतलब निकाले थे, तो उन पर भी बहसबाजी का दौर चला था। तो लाडो शब्द की बात की जाए तो जब से MC Square ने लगातार 3-4 गानों में इसका प्रयोग किया है, तो उन्होंने प्रेमिका के लिए प्रयोग किया है। तो बात कर लेते हैं भाई सॉन्ग के बारे में। तो सॉन्ग में सभी में उन्होंने सेम कंटेंट डाला है, लाडो शब्द से वह पॉपुलर हुए हैं। लेकिन अगर हरियाणा के व्यक्तित्व की बात की जाए, हरियाणा में इस नाम के मतलब की बात की जाए, तो ये बहुत ही दयनीय है, बहुत ही दुखद है कि हरियाणा के कलाकार लाडो को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं। गुलजार ने एक अच्छी पहल की थी, लाडो शब्द के साथ अच्छा खासा सॉन्ग लेके आए थे, उनके सॉन्ग को भी बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया गया था। लेकिन कुछ कलाकारों ने इसके मतलब को चेंज कर दिया, जो कि हरियाणवी संस्कृति के साथ एक अच्छा खासा खिलवाड़ कह सकते हैं। लेकिन इस बारे में लगातार सभी कलाकार चुप हैं, इसके साथ ही समाज सेवी भी चुप हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए और इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। अगर बात की जाए पहले के सॉन्ग को नहीं डिलीट करें, तो आगे तो इस सॉन्ग का ऐसे इस्तेमाल न किया जाए। तो देखते हैं कि इसका क्या कुछ रिस्पॉन्स रहता है। हरियाणा की जनता अभी तक तो नहीं जागी, आगे इस शब्द को लेकर जागेगी या नहीं हम कंफर्म नहीं कर सकते। लेकिन अगर बात की जाए, सबके अपने पर्सनल विचार हैं, तो लाडो शब्द का प्रयोग एक बहन बेटी की रिस्पेक्ट के लिए किया जाता है, प्यार से नाम लिया जाता है, लेकिन हरियाणवी संस्कृति को लगातार ठेस पहुँचाई जा रही है। आप इस बात से कितना सहमत हैं कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।